आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा? नहीं पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मैं कोई एस्ट्रोनॉमर हूँ जो सोच करके आपको बता दूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा, पर एक अनुमान के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार कब तक हो सकता है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार का मेन रीजन यह था कि दुनिया में जो भी शक्तिशाली देश थे वो अपने ऊपर हथियारों का जमावड़ा रख रखते थे और बम जैसे चीज़ों से अपने देश को फुल करने लगे थे। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए हम भी यह कह सकते हैं कि सभी देश अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं और हथियार के मामले में भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगे हैं। चाहे बात की जाए इंडिया की, चाइना की, अमेरिका की या रूस की, ये चारों देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। और सेकंड वर्ल्ड वार का एक मेन रीजन अपने पास हथियारों का जमावड़ा रखना ही था और दूसरा रीजन इसकी शुरुआत थी। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद धीरे धीरे कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना जताई जा रही है। अब रही बात यह कि थर्ड वर्ल्ड वार में आखिर जीतेगा कौन। देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो जीतने का नाम अमेरिका के ऊपर आता है, पर ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका ने युद्ध में कभी भी भाग नहीं लिया, लास्ट के मौके पर अपना प्रभाव डाला है और दुनिया को अपने हथियार बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत किया है। तो इस अनुमान से यह कहा जा सकता है कि वही देश जीतेगा जो अपनी बुद्धि के चलते इससे युद्ध न लड़ करके दूसरों को हथियार बेचेगा। क्या इस अग्रसर में भारत की तकनीक यही है? भारत जिस तरह से मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है चाइना और अमेरिका के युद्ध में, हो सकता है कि भारत भी वही भूमिका निभाए। आने वाले 20 से 25 सालों में यह कन्फर्म है कि वर्ल्ड वार जैसी स्थिति जरूर होगी। जय हिंद।